अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं। आज मैं आपको एक सक्सेस स्टोरी दिखाता हूं। लोग कहते हैं कि भाई हमें सक्सेस स्टोरीज दिखाएं। अब वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी रिजल्ट आते हुए टाइम लगता है और अल्हम्दुलिल्लाह ये देखें 25 टैंक है और 25 के 25 टैंकों में इस टाइम पे मछली 1-1 किलो की हो चुकी है और हर मछली का जो साइज़ है वो तकरीबन 1-1 किलो का है और 1000 एक टैंक में 1000 मछलियाँ हैं। और ये जितने भी टैंक्स अगर आप देखें सारे, तो ये सारे जो है सब में जो है फिशेज हैं और सब का साइज ही सेम है 1-1 केजी का। और ये देखें ये साइज मछली का, ये देखें, ये देखें इसका साइज माशाल्लाह। और हर मछली ये तकरीबन 1 किलो 1200 ग्राम इस तरह का ये साइज है इस टैंक के अंदर। आइए मैं आपको दूसरे टैंक भी दिखाते हैं। ये देखें मछलियां इसमें बकायदा नजर आ रही हैं कि मैं हूं, और टैंक का पानी आप देखें मछली की वजह से कितना ज्यादा है। ठीक है, इसे कहते हैं इंटेंसिव फार्मिंग, यानी 1 एकड़ की फिश जो है वो हम आज एक टैंक में दिखा रहे हैं आपको कि एक टैंक में किस तरह इसकी फार्मिंग हो रही है। और बकायदा देखें मछलियां इसमें पूरी ऊपर तक भरी हुई है, जैसे आपने अक्सर बाहर मुल्कों की वीडियो देखी होगी, लेकिन ये पाकिस्तान में ये काम हो रहा है। हर जितने भी आप देख लें 25 के 25 टैंक जो है वो हमारे इसी तरह के होंगे। आए मैं आपको टैंक भी दिखाता हूं। ये देखें ये हमारे अंदर के टैंक है और ये देखें इसमें भी यही मछलियों का सेम साइज। एक पकड़ना जरा, ये देखें ये। अच्छा, लोग ये कहते हैं कि भाई राउंड टैंक्स क्यों होने चाहिए। अगर आप फिश की एक्टिविटीज को देखें तो फिश जो है वो गोल राउंड एंड राउंड घूमती रहती है। अभी ये जरा नेट मार रहे हैं, वरना आप हर टैंक में देखें मछलियों गोल घूम रही है और फील होती है टैंक में कि हाँ मछलियां कंटिन्यूसली घूम रही है। तो देखें 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 ये ऐसा जो सीन है वो आपने कहीं पे भी नहीं देखा होगा, इतना अच्छा रिजल्ट है। और मतलब ऐसा नहीं है कि मछली पकड़ने के लिए हमें कोई मेहनत करनी पड़ रही है, ये सब बस हाथ मार रहे हैं और उसमें आ रही है। ये देखें साइज देखें इसका। आए इधर लेके जाओ, उधर दिखाओ, ये सारी नजर आ रही है। ये देखें ये सारी नजर आ रही है फुल, मतलब लॉट ऑफ, मतलब जो भी कहूँ कुछ कम लग रहा है मुझे माशाल्लाह। 1200 ग्राम शुकर है। हाँ ये देखें, हाँ देखें। ऐसी दिखाओ, ये देखें साइज देखें। अच्छा, ये पंगासियस की डिमांड इसलिए मार्केट में, इसके रेट बहुत अच्छे हैं और इसका जो पूरा जो गोश है ये व्हाइट होता है। ये फिले रेस्टोरेंट्स कैटरिंग ये सब जगह इस मछली के यूज होती है, इसके फिंगर्स बनते हैं। मतलब इस मछली, इससे पहले ये मछली इंपोर्ट होती थी वियतनाम से, अब हम लोकली इसकी फार्मिंग कर रहे हैं। अगर हम बाहर से मंगवाते हैं तो इसके फिले 1500 रुपये किलो पड़ते हैं, लेकिन अब जो है हम ये फार्मिंग जो कर रहे हैं तो मैक्सिमम इसमें 1 केजी फिश तैयार होने में 160 से 200 रुपये का खर्चा आता है, अगर आप हमारे बताए हुए पैटर्न पे चलेंगे तो। आए आगे दिखाएं और भी, और भी दिखाएं। देखें ये सक्सेस स्टोरीज, लोग कहते हैं कि हमें दिखाएं, किसी को भी देखना है आए हम आपको दिखाएंगे अपने फार्म। चले आए आगे और भी देखते हैं। अच्छा ये देखें, अच्छा अगर आप इनको आराम से देखें तो मछलियां जो है वही गोल गोल घूमी जा रही हैं। ये देखें माशाल्लाह, ये तकरीबन 2 किलो का साइज है इसका। ये देखें इस मछली को पकड़ देखें, 2 किलो का इसका साइज है ये। और ये कितने टाइम पीरियड में, ये तकरीबन 6 महीने में ये तैयार हुई है मछली। आप साल में ये दो टाइम जो है वो इसकी फार्मिंग कर सकते हैं। कोई भी फार्म सक्सेसफुल करने के पीछे जो है वो लेबर का ईमानदार होना, मुखलिस होना, प्रॉपर काम करना ही जो है वो कामयाबी का राज है। अगर आपकी लेबर अच्छी है और वो प्रॉपर काम करती है तो आपको इसी तरीके का 100% रिजल्ट मिलेगा। तो ये यहाँ के सुपरवाइजर है, इनसे ज़्यादा डिस्कस करते हैं कि इन्हें क्या क्या इस 6 महीने में हर्डल फेस आई और किस तरीके से इन्होंने काम किया। जी सलाम अलैकुम। अच्छा ये बताइएगा कि किस तरीके से आपने यहाँ पे फार्मिंग की और यहाँ पे जो हमने जो चीज़ें आपको सिखाई थी उसी तरीके को आपने फॉलो किया और कोई हर्डल तो नहीं फेस आई, कोई मुश्किलात तो नहीं आई? नहीं नहीं सर, कोई मुश्किलात नहीं है, बस ये है कि इसको प्रॉपर से थोड़ा ख्याल रखना है। ठीक है, अच्छे है, थोड़ा पानी उसका मतलब चेक करना है कि पानी का मतलब नमकियात पूरी है,
तो ज्यादा खराब तो नहीं है ये, तो मसला तो नहीं। ये जो गैस आपकी तालीम कितनी है? 12 इंटर पास बंदे ने ये 25 टैंक का प्रोजेक्ट संभाला हुआ है, जिसमें 25 टन कैपेसिटी की जो है वो फिश फार्मिंग हो रही है। और इन आपके अंडर में कितने और बंदे हैं? बंदे दो हैं सर। दो बंदे हैं। अच्छा, डेली बेसिस पे आपको कोई ज्यादा मेहनत वाला काम तो नहीं है इसमें? आसान काम ही है, कैसा है? मुश्किल काम है? एक आम बंदा कर सकता है ये? जी, सुकून से कर सकता है। सुकून से कर सकता है। आप लोग की डेली रूटीन क्या थी इसको मैनेज करने के लिए? आप लोग क्या क्या करते थे डेली? सर इसके अंदर इसका यही है कि इसका पानी थोड़ा पूरा रखना है इसके अंदर, ठीक है, और इसका ध्यान रखना है कि मोटर सही चल रही है, गैस पूरी चल रही है। जी जी, देखें सबसे मेन चीज जो है आपकी ऑक्सीजन अच्छी होनी चाहिए। जितनी अच्छी टैंक के अंदर ऑक्सीजन होगी उतनी अच्छी जो है फिश ग्रोथ करेगी। थैंक यू सो मच, आपका बहुत अच्छा दिन लगा, हमें फख्र है कि आप जैसे लोग जो इतने अच्छे तरीके से चीजों को मैनेज करते हैं। थैंक यू सो मच। ये मछलियों की देखें ये ग्रोथ, अरे माशाल्लाह, बहुत चलांगे मार रही भाई। आमिर भाई क्या साइज होगा? तकरीबन इसका साइज तो होगा मेरे ख्याल में 12 से 14 इंच तक, 14 से 15 इंच वेट तकरीबन 800 ग्राम वेट होगा तकरीबन, बिल्कुल 8-8.5 करीब से। देखा ये देखो, और ये देखो हाथ जितने ही, और भी इसमें बड़ी बड़ी मछलियाँ और भी दिखाए, और देखो, और ये टैंक देखे, देखो यहाँ लगाओ टैंक है, और इनकी तकरीबन मछली काफी अच्छी साइज हो गई है, तैयार हो गई है। और ये देखें अभी आए, मैं दिखाता हूँ, पकड़िए मछलियों का साइज देखें। एक टैंक में अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 1-1 किलो की मछली तैयार हो गई है, और एक टैंक में 1000 मछली है, तो समझ लें कि 1000 kg जो है वो फिश इसमें रेडी है। ऊपर आए, ऊपर से दिखा, दिखाए मछली पूरा देखे, ओहो ये देखें मछली का साइज माशाल्लाह बेहतरीन है आमिर भाई, उससे भी माशाल्लाह माशाल्लाह तक होगा इसका वेट। और ये जो है ये देखें, ये हमारे 25 टैंक हैं, और सारे ही माशाल्लाह सब में जो है वो किलो किलो मछलियां की तैयार हुई हैं। ये देखें मछलियां, ये हमारे आमिर भाई हैं, और ये देखें फुल टैंक में मछलियां भरी हुई हैं, पूरा पानी हिला रही हैं। वो देखें फुल टैंक भरे हुए, एक एक टैंक में 1000-1000 kg फिश है, और ये पानी की क्वालिटी देखें इसकी, टैंकों की हालत देखें, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त हमारे क्लाइंट हैं, उन्होंने रिजल्ट लिया है माशाल्लाह। मछलियां देखें नजर आ रही हैं आपको इसमें मछलियां, इसे कहते हैं सक्सेस स्टोरीज। देखें ये मछलियां देखें ऊपर तक आपको नजर आ रही हैं, फुल भरी हुई, हर टैंक में ऐसी हाल है, हर टैंक में जो है ना मछली, ये देखें सिर्फ हाथ मार रहे हैं और मछली आ रही है, सिर्फ हाथ लगा रहे हैं और मछली आ रही है। ये देखें इस टैंक में देखें,